राजधानी में जल्द स्थापित होंगे 100 विश्व स्तरीय ईवी चार्जिंग स्टेशन, 50 इसी माह बनकर होंगे तैयार। इस प्रोजेक्ट के साथ शहर के हर हिस्से में शानदार और सुलभ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जहां प्रति यूनिट चार्जिंग की लागत देश ही नहीं दुनिया में सबसे कम होगी और लोगों को ईवी चार्जिंग के लिए प्रति यूनिट 3 रुपए से भी कम खर्च करने होंगे। राजधानी में जल्द 100 विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी स्टेशन स्थापित होंगे, इनमें प्रति यूनिट चार्जिंग लागत दुनिया में सबसे कम होगी। दिल्ली सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत मेट्रो स्टेशन व बस डिपो पर इन्हें स्थापित किया जाएगा, 3 रुपए से कम प्रति यूनिट खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट के साथ शहर के हर हिस्से में शानदार और सुलभ ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जहां प्रति यूनिट चार्जिंग की लागत देश ही नहीं दुनिया में सबसे कम होगी और लोगों को ईवी चार्जिंग के लिए प्रति यूनिट 3 रुपए से भी कम खर्च करने होंगे। दिसंबर में राजधानी में बिकने वाले कुल वाहनों में 16.7% ई वाहनों की रही, जो देश में सर्वाधिक है। सभी चार्जिंग स्टेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी मॉडल पर आधारित है। पचास स्टेशन इसी माह बनकर तैयार होंगे। बिजली मंत्री आतिशी ने विभाग के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बृहस्पतिवार को समीक्षा बैठक की। आतिशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली विभाग और डीटीएल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सभी मुद्दों को तुरंत हल करें। अप्रैल के अंत तक 50 और जुलाई के अंत तक सभी 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाकर तैयार करें। इनके निर्माण में तेजी लाई जाए और समय सीमा का पूरी तरह पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के प्रयासों से दिल्ली पिछले सालों में देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी कैपिटल के रूप में उभरी है। इस दिशा में दिल्ली के ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए शहर भर में 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है।